हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपूर्ण बाजार की एक संरचना ओलिगोपॉली के बारे में जानेंगे, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियां बाजार पर हावी होती हैं। ओलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ कंपनियां आपस में मिलकर किसी चीज़ के उत्पादन और उसके सप्लाई को कंट्रोल कर लेती हैं। वो एक कार्टल बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती हैं, और जिसमें यह प्राइस को एक जैसा रखने का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब उसमें कोई भी कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकती है। इन कंपनियों के पास महत्वपूर्ण बाजार शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वे कीमत और अन्य बाजार परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। तो ओलिगोपॉली में एक कंपनी की क्रियाएं दूसरी कंपनियों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। इससे मूल्य निर्धारण, साजिश और गैर मूल्य प्रतियोगिता जैसे रणनीतिक व्यवहार हो सकते हैं। उनकी रणनीति होती है और वो एक जैसा प्राइस चार्ज करते हैं लोगों से। ओलिगोपॉली के उदाहरण में हम सबसे अच्छा गाड़ी के टायर के उद्योग को देख सकते हैं, जिसमें कि कई तरह की कंपनियां होती हैं, जिसमें सीएट, एमआरएफ, डनलप, इस तरह के टायर की कंपनियां होती हैं, जो कि आपस में एक कार्टल बनाती है, ग्रुप बनाती हैं और बाज़ार मूल्य को कंट्रोल रखती हैं। इनमें से आपस में ऐसा समझौता होता है कि कोई भी उस नियत या तय प्राइस से कम मूल्य पर चीज़ों उस टायर को बेच नहीं सकता है। इससे मार्केट पर उनका वर्चस्व भी रहता है। उसी तरह से वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग भी ओलिगोपॉली का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसमें विभिन्न तरह की गाड़ियां बेची जाती हैं। जैसे विश्व बाज़ार में फोर्ड, टोयोटा, फॉक्स वैगन जैसी प्रमुख कंपनियां बाज़ार पर हावी होती हैं, और ये कंपनियां बाज़ार की कीमतों पर काफ़ी नियंत्रण करती हैं और वे अक्सर अपने बाज़ार स्थान को बनाए रखने में प्रतिस्पर्धी रणनीतियों में संलग्न होती हैं।